हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको टू नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ। ठीक है, आपको कोई भी टू नंबर्स जो हैं वो गिवन है और उनके बीच में आप रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो कई बार हमें किसी क्वेश्चन में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं और कई बार हमें इस तरह से क्वेश्चंस पुट कर देते हैं कि फाइंड आउट फाइव रैशनल नंबर बिटवीन ज़ीरो एंड वन, या फाइंड आउट सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन ज़ीरो एंड वन, फाइंड आउट एट रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। तो मतलब कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने आ सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए भी एक ट्रिक आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है आप अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, कि कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो किससे आपने मल्टीप्लाई करनी है। देखो, जैसे ज़ीरो एंड वन के बीच में आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप किस तरह से करेंगे। तो फर्स्टली तो माइंड में ये सोच के चलो कि ज़ीरो एंड वन के बीच में आपने थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है कि ज़ीरो एंड वन के बीच में जो है वो थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो फर्स्टली जो है हम कैसे करेंगे, देखो, फर्स्टली जो है हम राइट करेंगे ज़ीरो बाय में वन मल्टीप्लाई फोर बाय में फोर इज़ इक्वल टू आ गया ज़ीरो बाय में फोर। देखो, यहाँ पे ज़ीरो के नीचे अगर हम वन पुट करें, ठीक है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई फोर बाय फोर क्यों किया है हमने? देखो, हमें अगर थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम फोर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, मतलब अगर आपको थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे, फोर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, फाइव रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स आप एक नंबर बढ़ा दोगे, उसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, तभी आपको जो है यहाँ पे थ्री रैशनल नंबर मिलेंगे आंसर में। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप किसी से भी कर सकते हो, आपको बीच के रैशनल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मेन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इतने ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको एक डिजिट बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ज़ीरो के नीचे हमने वन लगा लिया, मल्टीप्लाई फोर बाय फोर कर लिया इज इक्वल टू ज़ीरो बाय में फोर। ठीक है ना, और ऐसे ही हम अब लेंगे वन, तो वन के नीचे भी अगर हम वन लगा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई फोर बाय में फोर इज इक्वल टू फोर वन जा आ गया फोर बाय में फोर। अब ज़ीरो और फोर के बीच में जो हैं कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं हमें? थ्री रैशनल नंबर मिल रहे हैं, वन बाय में फोर, टू बाय में फोर एंड थ्री बाय में फोर। ठीक है, तो ये देखो, ज़ीरो एंड वन के बीच में अगर थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हमने ज़ीरो के नीचे तो वन पुट कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही वन के नीचे भी वन पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया फोर बाय में फोर, और वन को भी मल्टीप्लाई कर दिया फोर बाय में फोर से। ठीक है, तो देखो हमें तीन ही रैशनल नंबर मिले हैं इनके बीच में, वन बाय फोर, टू बाय फोर एंड थ्री बाय फोर। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स कि आपने रैशनल नंबर इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अब एक जो है वन एंड टू के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताओगे, और वन और टू के बीच में जो है आपने फाइव रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, और कमेंट में मुझे बताना है आंसर, और साथ में ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रैशनल नंबर जो है किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ये पूरी ट्रिक जो है इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो वन एंड टू के बीच जो है रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट करोगे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।